और इनके जो ओनर हैं उन्होंने अपना डिस्काउंट छोड़ दिया और डिस्काउंट की बिना एक गाड़ी ली है। तो सर आपकी गाड़ी भी 5,800 किलोमीटर चली है, उसमें आपके फर्स्ट सर्विस में 5,000 से 6,000 रुपए लग गए आपके, है ना? हाँ, उसमें 5,000 से 6,000। सेकंड सर्विस भी इसकी छोटा सर्विस सेंटर है और वहाँ पे भी ओनली वन मैकेनिक है जो पठानकोट में है, सिर्फ सिंगल मैकेनिक। वो बाबूराव अगर छुट्टी पे चले गए तो बस हो गया, और कोई नहीं है। तो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय मोटर गाड़ी। आज की जो गाड़ी है वो अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है, और हम इसको ऐसे पहाड़ों पे लेके आए, ऐसे वाले पहाड़ों पे लेके आए टेस्ट ड्राइव करने के लिए, उसके फीचर जानने के लिए। और इनके जो ओनर हैं उन्होंने अपना डिस्काउंट छोड़ दिया और डिस्काउंट की बिना एक गाड़ी ली है, वो भी जाने क्यों ली है। तो आज हम बात करने वाले रेनॉल्ट काइगर की, और ये भी कौन सा वेरियंट इसके बारे में जानते हैं। इनके जो ओनर है आशीष, वो रहे पीछे, तो उनसे भी बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन एक थोड़ी सी स्टेबल लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए रोड थोड़ा सा टाइट है। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर, वहाँ लोकेशन पहुँचते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन देखो, पीछे हमारे सनसेट हो रहा है, एक्चुअली में अच्छे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तो नदी के इस तरफ जो है वो हिमाचल है, और सामने आप जो देख रहे हैं वो है पंजाब। पंजाब से हम लोग आए हैं हिमाचल में, पंजाब को देखने के लिए। तो अभी बात करते हैं गाड़ी के बारे में। लोकेशन देख लीजिए कैसी है, एकदम पथरीली लोकेशन है, हम लोग नदी के पास आए हैं, लेकिन गाड़ी एकदम मस्त चल के आई आगे तक। कहें कि इनका नंबर देख लीजिए आप, वेस्ट बंगाल का नंबर है, तो वहां से ये चल के आई है ना? यस, चल के आई है वेस्ट बंगाल से, और इतना लंबा टूर, क्योंकि ये जो है ये डिफेंस पर्सन की गाड़ी है, तो उनको डिस्काउंट मिल सकता था, लेकिन इन्होंने डिस्काउंट लिया नहीं। अब बात करते हैं अपने आशीष भाई से, जिनकी गाड़ी है ये। हेलो सर। हेलो, आइए गाड़ी के पास आइए थोड़ी सी। तो सर ये बताइए पहले कि गाड़ी जो आपने ली थी आपने, इसके अलावा आपने कौन कौन से ऑप्शन देखे थे, और क्यों देखे थे? मतलब ये गाड़ी फिर क्यों ली, मतलब क्या आपने ऐसा क्राइटेरिया रखा परचेस करने का, मेरे को यही गाड़ी लेनी चाहिए? इसके अलावा मैंने ब्रिजा देखी थी, एक्चुअली वो भी वेटिंग पीरियड में था ब्रिजा। अच्छा, काफी टाइम लग जाता उसका मैंने बुकिंग भी करवा दिया था इनफैक्ट, बट तब मैंने उस बुकिंग करवाने से पहले तक इस गाड़ी का मैंने अपडेट लिया नहीं था। बट आफ्टर बुकिंग जब मुझे पता चला कि उन्होंने मुझे 2 महीने का टाइम दिया था, बट वो भी एक्सटेंड हो रहा था, 2 महीने के बाद भी एक्सटेंड हो रहा था। वो खुद ही बोल रहे थे या फिर? नहीं, वो खुद ही बोले नहीं होगा सर, और टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने फिर दोबारा सर्च किया, तो मुझे ये काइगर, रेनॉल्ट का ये काइगर मुझे दिखी। ओवरऑल मैंने शोरूम में गया, मैं शोरूम में जाके मैंने गाड़ी को एक्सपीरियंस किया, मैंने गाड़ी का टेस्ट ड्राइव के लिए भी बुलाया था। फिर गाड़ी ओवरऑल मुझे सब तरह से ठीक ठाक ही लगी, स्पेशियस है, जो मेरा रिक्वायरमेंट थी और जो गाड़ी का जो भी फीचर्स है और मेरा बजट जो भी था उस हिसाब से सारे मैच ही हो रहे थे। और गाड़ी मिल भी रहा था। आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी इस टाइम पे? मेरा रिक्वायरमेंट एक्चुअली मेरा फर्स्ट कार ऑल्टो था, ऑल्टो एलेक्सा मॉडल। तो उसके बाद जैसे होता है सबका छोटी गाड़ी के बाद बड़े गाड़ी में शिफ्ट होना, एक स्पेशियस चाहिए होता है गाड़ी में स्पेस, तो मुझे एक स्पेस और गाड़ी में थोड़ा बहुत फीचर, पावरफुल एंड लुक्स मैटर करता है, थोड़ा एग्रेसिव लुक, तो ये सारे चीज इस गाड़ी में मिल जा रही थी मुझे। एंड विद इन टाइम मैंने जब इस गाड़ी को बुक किया तो मुझे हार्डली मुझे 22 डेज के अंदर मुझे गाड़ी डिलीवरी हो गया। ठीक है, तो मतलब आपको हाई ग्राउंड क्लीयरेंस वाली गाड़ी चाहिए? यस यस एग्जैक्टली, क्योंकि क्या कहते हैं एग्रेसिव लुक, एग्रेसिव लुक भी आती है। हाँ, आज के टाइम पे फिर वो भी आती है, i20 भी आती है, थोड़ी थोड़ी बड़ी लुक के साथ। हाँ, बट इसका ग्राउंड क्लीयरेंस उनसे काफी ज्यादा है। हाँ, काफी अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस इसका है। ये तो आप इसको कहीं भी, लास्ट में कुछ दिन पहले ही मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश मैक्लोडगंज में मैं गया था, वहां पे मैंने इस गाड़ी को लेके मैंने खुद ड्राइव करके मैं गया, तो ओवरऑल हिल एरिया का परफॉर्मेंस, ड्राइविंग काफी सही था वहाँ पे। पेट्रोल में ही है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक में आता है इसका, बट मैंने ऑटोमेटिक नहीं लिया। ऑटोमेटिक इसमें सीवीटी आता है ना? यस, ऑटोमेटिक सीवीटी आता है। वो कितना महंगा पड़ रहा था आपको? वो अराउंड इससे शायद 1,80,000 के आसपास डिफरेंस हो जाता है। 1,80,000, वो तो काफी महंगा। ये टॉप मॉडल से नीचे वाला मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल है ये। कौन सा ये? RX? ये RXT है, RXZ है शायद। Z है ना? यस यस। अच्छा, और इसमें अलॉय व्हील पहले से आते हैं? पहले से, ये सब ऑल कंपनी फिटेड है। मैंने गाड़ी में खरीदने के बाद कुछ भी नहीं करवाया अभी तक, कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं, कुछ भी पन्नी भी नहीं निकलवाई आपने? पन्नी नहीं निकला, बस ये अपना ओम लगाया है, अपना इंडियन फ्लैग लगाया है मैंने गाड़ी में, बस यही मेरा। ये जो फीचर था अभी आपने देखा कि जैसे ही मैं पास गया, चाबी मेरे हाथ में है, तो जैसे पास गया ऑटोमेटिक अनलॉक हो गई। यस, और जैसे ही मैं दूर जाऊंगा ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। ये मेरे को बहुत बढ़िया फीचर लगा, मैं जो जींस की पॉकेट होती है उसमें डाल लेता हूँ चाबी को। और इस गाड़ी का एक मैं बात, इस गाड़ी का सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे जो सबसे अच्छा लगा इस सेगमेंट में, इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो इस सेगमेंट किसी में नहीं मिलता, जो इसका बूट स्पेस है। चाबी अनलॉक हो गया, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बूट स्पेस है, ये ऐसे फैला हुआ है, बट ये काफी अच्छा बूट स्पेस है। बूट स्पेस तो काफी बड़ा है, बहुत बड़ा बूट स्पेस है।
और ये एक्चुअली में काफी कम प्राइस के अंदर भी आ जाती है। यस, उसके बाद मेरे बजट में ये फिट बैठ गया था और कंपेयर टू अदर इस सेगमेंट में जो अदर व्हीकल्स है उसके कंपेयर में इसका रेट काफी कम है। अभी हम लोग सर के साथ ही ना सेकंड हैंड मार्केट में गए थे, हमने एस्प्रेसो देखी थी ना, एस्प्रेसो वो ऑलमोस्ट इसके प्राइस के आसपास ही आ रही थी, लेकिन उसके अंदर इतने कम फीचर्स थे, साथ में स्पेस इतना कम था, पीछे स्पेस बहुत ही कम था, साथ में बिल्ड क्वालिटी हमने देखी सब कुछ बिखर रहा था सेकंड हैंड मार्केट के अंदर, वैसे ही पता होता है। असर ये एक मेन पॉइंट था, आगे आ जाइए, अभी पूछने वाली बात है कि जैसे आपको गाड़ी आराम से कैंटीन के अंदर मिल जाती, सीएसडी के अंदर आराम से मिल जाती, इसका ये कैंटीन में अवेलेबल नहीं था, नहीं था, नहीं ये कैंटीन में अवेलेबल मॉडल, आपने फिर आते ही ले लिया। हाँ, ये एक्चुअली मुझे पता था कि मेरा एक्चुअली कैंटीन से लेने से एक नुकसान हो जाता है, 8 इयर्स का लॉक इन पीरियड हो जाता है, तो वो ऑप्शन को मैंने अभी तक बचा के रखा है। एंड जब सिविल से मुझे लग रहा था ये सिविल से मैं परचेस कर रहा हूँ, तो जब मैं प्राइस का कंपेयर किया कैंटीन से भी और दूसरे से भी, तो मुझे इतना फर्क नहीं लगा। कितना कितना ऑलमोस्ट ये मैंने इसका मेरा हुआ अराउंड 684,000 ऑन रोड। ऑन रोड ओके। कैंटीन में कितने का पड़ता है ये? कैंटीन से, कैंटीन में तो पहली बात है अवेलेबल है नहीं ये, तो अगर कैंटीन में अभी तक ये आई नहीं है, अभी तक भी नहीं आई, नहीं नहीं अभी तक आई नहीं, तो इन्होंने रेनॉल्ट कैंटीन में, रेनॉल्ट का शायद कैंटीन में कम ही मॉडल अवेलेबल नहीं है, शायद से शायद है भी नहीं है, शायद क्योंकि 1 लीटर का इंजन, 1.2 लीटर का इंजन, यस 1.2 लीटर एस्पिरेटेड, इसमें ये तो आ जाना चाहिए था जब नेक्सॉन जैसी गाड़ी है इसके। हाँ, आ जाना तो चाहिए, बट मार्केट में डिमांड है एंड हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो, हो सकता है पॉसिबिलिटी है। अच्छा सर, ये तो हो गई सारी बढ़िया बातें, आपने मस्त बता दिया गाड़ी के बारे में, ग्राउंड की लुक अच्छी है, इसमें आपको ड्रॉबैक्स क्या लगे? हाँ, अभी गाड़ी का एक ड्रॉबैक्स गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं। तो भी आज हम चलाते हैं काइगर और सबसे पहले हम ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप है इसमें, तो ये हो गया, कई बार तो होता है पता नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है, जैसे मैंने बताया कि चाबी इसकी थोड़ी सी वो कीलेस वाले एंट्री वाली चीज है, तो यहाँ पर एक और अच्छी बात मेरे को गाड़ी की ये लगी, गाड़ी के गियर्स के अंदर वाइब्रेशंस नहीं है, और रात का टाइम हम देख सकते हैं कि रात के टाइम के अंदर भी कैमरा बड़े अच्छे से दिखा रहा है, और स्टीयरिंग व्हील को हम एक हाथ से घुमा सकते हैं, क्या बात है। पर सबसे बढ़िया बात मेरे को इस गाड़ी की ये लगी, थोड़ी सी गाड़ी ऊँची है, ऊँची होने के बाद ही मेरे को सब बोनट दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग, और साथ में जो लेग स्पेस है ना, आगे हो पीछे हो, मेरे को हर जगह का दिखाई दिया है, नीचे कुछ टच हुआ शायद पीछे, आप देखो मैं 172 सेंटीमीटर का हूँ, 5'7" हाँ, तो मेरा आप देख सकते हो कितना लेग रूम बचा हुआ है सामने, ये जो लेग रूम है मैं वही बात कर रहा था कि गाड़ी में जो स्पेस दिया है कंपनी ने, हाँ, वो काफी हद तक बहुत ही अच्छा है। ओके। वो आप आगे बैठो पीछे बैठो कोई इशू नहीं है, पीछे हरी सर हम आराम से 3 RL आराम से बैठ सकते हैं, आराम से एंड लॉन्ग ड्राइव में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दूसरा पॉइंट मेरे को बहुत बढ़िया ये लगा कि इसका जो बूट, ये वाला ग्लव बॉक्स है, ये बहुत ही गहरा है, मतलब देख दो मेरा पूरा हाथ आ जाएगा, और गहरा भी बहुत है। इससे पहले मैंने अपना ट्राइपॉड जो है वो रखा हुआ था फोल्ड करके, वो बड़े आराम से आ गया था, और इसको फोल्ड कर सकते हैं। और तीसरा सबसे बढ़िया चीज ये है इसका हैंड ब्रेक जो है वो काफी सॉफ्ट है। अच्छा, इसका आपने सीवीटी ट्राई किया था क्या? नहीं, मैंने सीवीटी ट्राई नहीं किया, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसा था कि ऑटोमेटिक गियर में मैं थोड़ा सा प्रेफर इसलिए नहीं करता हूँ, बिकॉज वो इन फ्यूचर में जाके वो थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस में आ जाता है रादर देन योर मैनुअल गियर्स। हाँ। जब मैनुअल गियर्स और पावर में भी मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं कहीं उसमें रबर बैंड इफेक्ट रहता है, हाँ, तो थोड़ा सा वो पावर का इशू होता है, तो उस हिसाब से मैं ऑटोमेटिक ही प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अच्छा, सॉरी मैनुअल। इसमें क्या है कि आपको माइलेज कितनी मिल रही है? माइलेज कंपनी तो क्लेम कर रही थी ज्यादा ही, बट उतना मिलती नहीं है अभी फिलहाल, कम से कम आप 15 मान के चलो, 15 आपको दे देगी ये सिटी में 15 दे ही देगी, सिटी में आपको 15 देगी, हाईवे पे 18 के आसपास पहुंच जाती है। हाईवे में आप 18 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, 6.5 लाख की ना? हाँ, 6,684,000। हाँ, तो उस प्राइस में आपको अच्छी खासी गाड़ी मिल गई, अच्छी खासी मिल गई मुझे, क्योंकि स्पेस वाइज में गाड़ी में दिक्कत है, यस है कि नहीं, और परफॉर्मेंस वाइज मैं देख रहा हूँ बस हल्के कहीं कहीं पर जहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लगता है चढ़ाई वाली, हाँ, थोड़ा सा पावर वो होता है, थोड़ा सा इश्यू वहाँ पर लगता है, वो भी पेट्रोल इंजन होने की वजह से वो भी जैसे ना एक मेकअप हो जाता है वहाँ पर, ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर टर्बो चार्ज गाड़ी के अंदर होता, हाँ, होता तो हाँ। इसका गाड़ी का जो वेट है वो भी काफी अच्छा है, जिसकी वजह से इसकी जो एनकैप रेटिंग है 4 स्टार है, मतलब सेफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा अच्छा खासा सेफ्टी है। एक और बढ़िया फीचर मेरे को इस गाड़ी के अंदर ये लगा, इसका जो MID, इधर देखा ना, इसका जो MID है वो रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इसमें स्क्रीन नहीं है, इसमें इन्होंने क्या किया है, एक शीट लगाई है, शीट के अंदर छोटे छोटे LEDs लगाए हैं, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, जब रात के टाइम पे ड्राइविंग करते हैं ना, तो रात के टाइम पे कहीं पर भी मतलब रिफ्लेक्शन आंखों पे नहीं पड़ती, जैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाता।
अच्छा सर, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम ये वाला, यस यस, ये कैसा है? मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी अच्छा है। हाँ। वो कंपनी फिटेड ही है। हाँ। और क्या कहते हैं, इसका साउंड सिस्टम, बिल्ड क्वालिटी सारे अच्छे हैं। मुझे कोई इशू नहीं हुआ। ओके। लेने के बाद से मैं काफी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। ओके। अच्छा सर, आप दूसरी गाड़ी देख रहे थे तो हम भी आपके साथ थे, राइट? तो जितनी भी गाड़ी हमने देखी आपकी, आपने एक बार भी रिनोट कारीगर की तो दोबारा नहीं देखा? ऐसा की अगर गाड़ी बढ़िया है तो दोबारा क्यों नहीं गए उसके पास? रेनॉल्ट काइगर, रेनॉल्ट काइगर, यही वाली गाड़ी। विक्रम सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर काइगर आपके पास थी तो आप अभी दोबारा टाटा पंच देखने के लिए गए, काइगर ही दोबारा आपने क्यों नहीं देखा? तो गाड़ी और बीवी, अगर एक बीवी के साथ अगर डाइवोर्स हो जाता है तो क्या सेम टाइप की बीवी लोग दोबारा शादी करते? ऐसा तो होता नहीं है ना, फिर दूसरे के शादी शादी करता होगा। मतलब टोटली डिफरेंट गाड़ी और बीवी, बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस तो है, बट एक बार जिसको आपने एक्सपीरियंस कर लिया, दोबारा आप उसको फिर आप नया चीज ही एक्सपीरियंस करोगे, नया चीज ही ट्राई करोगे। ये देखिए जी, बल्ले बल्ले गाड़ी चल गई अपनी। एक बार ट्राई करें अपनी गाड़ी से। अच्छा ये बताओ, इसकी सर्विस में क्या दिक्कत आई आपको? सर्विस में दिक्कत इस बात का है कि मतलब एक हर कंपनी क्लेम करता है फ्री सर्विस, फर्स्ट फ्री सर्विस, आप बोल रहे हो फ्री सर्विस, लेकिन फ्री सर्विस तो फ्री सर्विस ही होना चाहिए इनकेस। बट ये फ्री सर्विस सिर्फ आप जो मैकेनिक है उसका फ्री हो जाता है। हाँ हाँ। बाकी अगर फर्स्ट सर्विस में आपको कोई लुब्रिकेंट या कुछ भी ऑयल वायल जो भी चेंज करना हो एज पर प्रोसीजर, तो वो चीज जो है उसको तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं फर्स्ट सर्विस जब मैं करने गया ये सोच के कि एज ए फ्री सर्विस, तो तब मुझे 5,000 अराउंड कुछ मेरा खर्चा पड़ा। 5,000 फर्स्ट सर्विस में? यस। अरे बहुत महंगा पड़ गया। वो उन्होंने कुछ लुब्रिकेंट्स चेंज करवाया था एंड कुछ शायद यस टायर। अच्छा पहली सर्विस कितने किलोमीटर पे हुई थी? तो सर आपकी गाड़ी भी 5,800 किलोमीटर चली है, उसमें आपका फर्स्ट सर्विस 5,000 से 6,000 रुपए लग गए आपके, है ना? हाँ, उसमें 5,000 से 6,000। सेकंड सर्विस हुई इसकी? सेकंड सर्विस भी इसकी हो गई है। उसमें कितना लगा? उसमें भी अराउंड, उसमें मैंने एक मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, वो मैंने नीचे का वो लगाया था, बॉटम शू लगाया था वो नीचे, उसको हटा के मेरा अराउंड वो भी लगभग 4,500 के आसपास ही आई। उसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ होगा? उसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ था। पहले वाले में कूलेंट, कूलेंट भी चेंज हुआ, इंजन ऑयल पहले वाले में इंजन ऑयल चेंज। इसको कितना साल हो गए लिए? इसको लिए हुए अभी 1 साल कंप्लीट होने वाला है। 1 साल में 10,000 खर्चा तो ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा है। तो इन द सर्विस पार्ट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट और ये भी है, मैंने काफी जगह पे देखा है रेनॉल्ट का जो इनका जो सर्विस सेंटर रहता है वो मतलब इनमें वहां पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इनका तो पहली बात है थोड़ा टाटा के साथ भी टाई अप होता है, टाटा का वर्कशॉप के साथ। यस। ओके। तो मुझे पता नहीं ये क्या चीज है एंड बट ओवरऑल जो सर्विस का जो इनका मतलब इकोनॉमिकल नहीं है उतना। Okay. मेरे हिसाब से तो रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। तो यार ये तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है रेनॉल्ट को भी। आफ्टर सेल सर्विस नहीं है? आफ्टर सेल सर्विस है बट महंगी है, बट है बट महंगी है। वो जब टाटा से वो है वो इसीलिए है क्योंकि इनका अपना इतना सेटअप नहीं है। ओके। हाँ ये बात भी है। इंडिविजुअली अपना इनका इंडिविजुअल सेटअप है, कुछ कुछ जगह पे है, इतना एक्सपैंड नहीं है लाइक मारुति सुजुकी एंड हुंडई। आप मारुति सुजुकी हुंडई का सर्विस सेंटर कहीं भी मिल जाएगा आपको, हर गली पठानकोट में है। वो छोटा सा सर्विस सेंटर, छोटा सर्विस सेंटर है और वहाँ पे भी ओनली वन मैकेनिक है जो पठानकोट में है, सिर्फ सिंगल मैकेनिक। वो बाबूराव अगर छुट्टी पे चले गए तो बस हो गया, और कोई नहीं है, एक सिंगल बाबूराव। बाबूराव बाबूराव नहीं तो पिक्चर है बाबूराव, वो बाबूराव मस्त है वाला बात है। यहाँ पे वही करता है सब कुछ, देखभाल। नाम भी सही रखा है उसका, फिर तो काफी महंगी है। नाम मैंने रखा उसका। अच्छा मतलब एट ए टाइम आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। हाँ। आपको कम प्राइस में गाड़ी भी चाहिए। हाँ। आपको स्पेस भी चाहिए, आपको परफॉर्मेंस। अच्छा, सब निसान मैग्नेट भी आई थी। यस, एकदम सही बोला आपने। हाँ। निसान मैग्नेट वो एकदम फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट लिया था उस गाड़ी का। हाँ। बट उसमें क्या हुआ, उसका तो इतना लंबा वेटिंग पीरियड था। हाँ, निसान मैग्नेट का पहले 6 महीना छह महीना जब मैं गया बोला 6 months। तो मेनली आपका रीजन यही था गाड़ी लेने का कि बाकी गाड़ियों की वेटिंग 6 महीना थी। हाँ, बहुत ज्यादा वेटिंग थी। आपने क्या नेक्सॉन का बेस वेरिएंट ट्राई नहीं किया? नेक्सॉन का बेस वेरिएंट मैंने ट्राई नहीं किया। आप ड्रॉबैक जो बता रहे थे। हाँ। हाँ, जो आप ड्रॉबैक बता रहे थे, इसका सीट का बताता हूँ आपको। ये जो बक्कल है ये बहुत ही नीचे है, मतलब लगाने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती है कि यहाँ से घुसा के अंदर डालना होता है। और इसका जो ये ग्लव बॉक्स है काफी ऊंचा है, जिसकी वजह से एक फायदा ये है कि हाथ रख के आप गियर को चेंज कर सकते हैं, बट इसकी वजह से इसको लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कंपनी को थोड़ा सा बढ़ा के देना चाहिए, कुछ तो करके देना चाहिए। दूसरा ये है, इसका ये वाला जो है ये काफी अंदर की तरफ है, जिससे एक्चुअली जो नया बंदा उसको पता नहीं चल पाता कि हाँ सीट को आगे पीछे करने के लिए ये वाला जो बटन है इसको यूज करना होता है। बाकी अगर देखें तो ये वाला जो स्पेस है, लेग स्पेस, ये काफी बड़ा है। इसका पीछे का दिखा देता हूँ,
ये वाला जो व्हील वेल है, सॉरी लेग वेल है, ये भी काफी बड़ा, और एक अच्छी बात ये है कि इसका जो फ्लोर है वो फ्लैट है, तो तीसरा बंदा जो बैठेगा वो बड़े आराम से बैठ सकता है। अच्छा, इसका जो फैब्रिक है ये आपको कैसा लगा है गर्मियों के टाइम पे? ये कह सकता हूँ फैब्रिक इतना मजेदार नहीं, इतना मजेदार तो है नहीं, बट हाँ चल रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है ऐसा, गर्मी में हीटअप होने का चांस होता है, ऐसा वाला कोई इशू हुआ नहीं है। अच्छा, फैब्रिक अच्छा है। हाँ, मतलब हीटअप नहीं हुआ, सीट कवर, बट लुक वाइज उतना अगर आप देखोगे उतना प्रीमियम नहीं है, फीलिंग नहीं है, हाँ उतना फीलिंग नहीं है, बट ठीक है ओवरऑल एक कह सकते हैं। अच्छा, कलर 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 आपने चूज किया? ये महगुनी ब्राउन कलर है, सो कलर मुझे ये बहुत ही अच्छा, मतलब मेरा एक बहुत पसंदीदा कलरों में से है, तो ये कलर मिल गया था मुझे इस गाड़ी का, तो मैंने ब्राउन कलर आपको बहुत पसंद है? हाँ, ये जो रेड वाइन कलर बोल सकते हो आप, ब्राउन बोल सकते हो, महगुनी ब्राउन, तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं है? नहीं, गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं। एक चीज मेरे को बढ़िया लगी सर, जो है वो टैबलेट यूज करते हैं, तो टैबलेट का बराबर आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर दो शेल्फ दिए गए हैं सामान रखने के लिए। और एक और बढ़िया चीज लगी इसके अंदर कि इसका जो MID है वो फ्लैट दिया गया है, तो बाकी जो चीजें हैं बाकी तो गाड़ी में ओवरऑल ठीक ठाक लगी, जो प्राइस ब्रैकेट के अंदर आ रही है और जो फीचर्स ऑफर कर रही है, मतलब 7 लाख के अंदर आपको अच्छा खासा, और अगर कैंटीन से परचेस कर रहे हैं तो 7 लाख से कम प्राइस के अंदर आपको बढ़िया गाड़ी मिल सकती है। कंपटीशन रहेगा पंच का और अपना निसान मैग्नेट का। एस्प्रेसो तो मैं कॉम्पिटिशन में ले नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अलग सेगमेंट की गाड़ी है, वो कॉम्पैक्ट SUV है, छोटी कॉम्पैक्ट SUV, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, नहीं कॉम्पैक्ट SUV है वो, कॉम्पैक्ट SUV है, तो उसको तो हम सेगमेंट में ले ही नहीं रहे, कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि अगर इसको एस्प्रेसो के सामने खड़ा कर दीजिए ना तो एस्प्रेसो बहुत छोटी लगेगी इस गाड़ी के अंदर ना, मतलब हमने देखा तो बहुत ही छोटी थी, चार लोग बैठ तो गए थे लेकिन बहुत ही छोटी लग रही थी। तो चलो भाई, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपका डिसीजन होने में हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।